के 2 दर्जन से अधिक जिला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम। नमस्कार, न्यूज फोरेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की गड़बड़ी एस सिद्धार्थ बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसको लेकर चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो शिक्षक हो या फिर चाहे विद्यार्थी ही क्यों ना हो, उनको लेकर कड़े फरमान कड़ा एक्शन लेते हुए हर बार नजर आते हैं। और एक बार फिर से बिहार के लगभग 25 जिला शिक्षा अधिकारी यानी कि डीईओ को अल्टीमेटम दे दिया गया है। और इसी कड़ी में बिहार के 25 डीईओ को शिक्षा विभाग ने अल्टीमेटम दिया है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के 25 जिलों के डीईओ को शिक्षा विभाग ने कड़ी चेतावनी दी है। छात्रों के अपार कार्ड बनाने में देरी के कारण ये कार्रवाई हुई है। डीईओ को सिर्फ 96 घंटे का समय दिया गया है, काम पूरा नहीं होने पर कार्रवाई हो सकती है। ये मामला एक देश एक छात्र आईडी कार्यक्रम से जुड़ा है जो नई शिक्षा नीति का हिस्सा है। पहले ही 3 डीईओ को निलंबित किया जा चुका है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार शिक्षा विभाग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। इसके तहत एक देश एक छात्र आईडी कार्यक्रम के अंतर्गत हर छात्र के लिए एक डिजिटल पहचान पत्र अपार कार्ड बनाया जा रहा है, लेकिन 25 जिलों में ये काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसलिए शिक्षा विभाग ने इन जिलों में डीईओ को चेतावनी दी है। विभाग लगातार लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी 3 डीईओ को निलंबित किया जा चुका है। अब 25 जिलों के डीईओ पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है। इन जिलों में अपार कार्ड बनवाने का काम बहुत सुस्त है। शिक्षा विभाग ने सभी डीईओ को 96 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वही आपको बताते चले कि अपार कार्ड एक डिजिटल पहचान पत्र है, ये हर छात्र के लिए अनिवार्य होगा। इस कार्ड में छात्रों की सारी शैक्षणिक जानकारी सुरक्षित रहेगी। ये नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक देश एक छात्र आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है। इसे बिहार के सभी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इससे छात्रों के शैक्षणिक रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। वहीं जिन 25 जिलों के डीईओ को नोटिस भेजा गया है उनमें पटना, सारण, बक्सर, गया, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, कटिहार, किशनगंज, मधुबनी, सहरसा, जहानाबाद, शिवहर, सीतामढ़ी, भोजपुर, बेगूसराय, जमुई, गोपालगंज, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण, अररिया, अरवल, बांका, सिवान, मुजफ्फरपुर और मधेपुरा शामिल है। इन सभी जिलों में अपार कार्ड बनाने का काम काफी धीमा है। वहीं राज्य परियोजना निदेशक के अनुसार इन 25 जिलों में अपार कार्ड बनाने की गति बहुत धीमी है। राज्य का औसत 5.54% है, लेकिन इन जिलों में इससे भी कम काम हुआ है। ऐसा लगता है कि डीईओ इस काम को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, इसलिए विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। सभी डीईओ को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। वहीं इस दौरान उन्हें पूरा ब्यौरा देना होगा कि अब तक कितने कार्ड बने हैं और आगे की योजना क्या है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ये कार्रवाई निलंबन तक हो सकती है। इससे पहले भी 3 डीईओ को इसी लापरवाही के चलते निलंबित किया जा चुका है। शिक्षा विभाग का कहना है कि बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वही शिक्षा विभाग का कहना है कि अपार कार्ड बच्चों के शैक्षणिक भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सरकार को शिक्षा व्यवस्था की निगरानी करने में भी मदद मिलेगी। कि बिहार शिक्षा विभाग ने 25 जिलों के डीईओ को छात्रों के अपार कार्ड बनाने में देरी के लिए चेतावनी दी है। विभाग ने इन्हें 96 घंटे का समय दिया है। ये एक देश एक छात्र आईडी कार्यक्रम के तहत है। इसमें छात्रों के शैक्षणिक जानकारी एक जगह सुरक्षित रहेगी। वही धीमी रफ्तार के कारण विभाग ने यह सख्त कदम उठाया है। देखिए, 25 जिलों के डीईओ को अल्टीमेटम दिया गया है अपार कार्ड बनाने को लेकर, और शिक्षा विभाग इस बार पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है कि जिन जिलों में अपार कार्ड बनाने को लेकर सुस्ती बरती जाएगी वहां के डीईओ पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल के लिए खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फोरनेशन।